हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पड़ियार अकेडमी के साथ मैं हूं आपका हुस्नु मार खालिद, और लोमिया 8 के एक न्यू टॉपिक न्यू लेसन में मैं आपके साथ हाज़िर हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल का। तो मटेरियल में हम ये क्लिक करके मैं इधर से कोई मॉडल जो है वो अपलोड कर लेता हूं, यहां से कोई भी मॉडल जो है वो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास कुछ एज बिल्टन जो है वो मॉडल पड़े हुए हैं, वहाँ से मैं एक मॉडल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो इस मॉडल में हम जो है पिछले दो लेसन में हम जो है वॉल के ऊपर किस तरह मटेरियल अप्लाई करते हैं, और जो हम वाटर के ऊपर किस तरह जो है मटेरियल अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक है वो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि किस तरह जो है हमारा ग्लास जो है घर का ग्लास जो है इसके ऊपर किस तरह मटेरियल अप्लाई किया जाता है। तो सिंपली मैं पहले इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ जो है, इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आज हम चेंज करने जा रहे हैं इसका जो है ग्लास का। तो ग्लास पे क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटेरियल लाइब्रेरी में ऑलरेडी ग्लास जो है अप्लाई हुआ है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से। आपके डिफरेंट जो आप जाएंगे इंडोर में, इंडोर में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ग्लास पड़े हैं, वहाँ से आप कोई भी ग्लास जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो है कस्टम। तो कस्टम में आपके पास दो है ग्लास, एक है सिंपल, इसके अलावा जो है एडवांस ग्लास है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास ही इसकी भी सेम जो है वो ऑप्शंस जो है वो सेम ही है जो पिछले मटेरियल में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह करते हैं। यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो जो है जो कलर ग्लास है वहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इधर से कैपेसिटी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये बिल्कुल ही बंद हो गया, नज़र नहीं आ रहा अंदर क्या है। तो कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये है जो डबल साइडेड के दोनों साइडों पे आपका जो जो शीशा है वो जो है नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्केल्स हैं, स्केल आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्केल कर दे। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन थी वो थी RGB, ये जो कलर जो आप चेंज कर सकते हैं किसी ग्लास का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप किसी ग्लास का जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं जैसा आपको कलर चाहिए। तो ये तो थी इसकी एक ऑप्शन जो आपने एडवांस जो ग्लास है वो आपने चेक कर लिया कि किस तरह लगाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है ग्लास, वो भी इसी तरह उसी की भी सेम ही ऑप्शन है। ये टेक्सचर इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा है, ये आप देख सकते हैं इसको। ये भी सेम से ब्राइटनेस है इसकी, कम ज़्यादा आप ब्राइटनेस इधर से कर सकते हैं। ये जी रफले जो है रिफ्लेक्शन जो है, तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन थी, दो तो हम चेक कर चुके हैं, एक ये ग्लास एडवांस और सिंपल ग्लास। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सॉरी, वो है इंडोर में। इंडोर में है, यह है ग्लास आपके पास। तो ये यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ग्लास पड़े हैं, ठीक है, मटेरियल आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कि इस पे ऑलरेडी जो है कलर वगैरह अप्लाई हुआ पड़ा है, आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वो जो है कलराइजेशन थोड़ी कम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसकी जो है आप गैशियन जो है वो थोड़ी कम कर सकते हैं कि ये जो है इसमें धुंधलापन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो है इसकी स्केल्स कम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ग्लास लगाने का तरीका। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप महारत हासिल करेंगे। मैं तो आपको बस सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरह इसमें कौन सा टूल जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना जो वर्क करते हैं, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा आपका जो वर्क की क्वालिटी है, प्रोजेक्ट किस तरह आप बनाते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। रेंडरिंग जो है आप अच्छा कर लेंगे,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।